हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम टेबल में ही कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, आइए देखते हैं। तो ये 2007 यूज कर रहा हूँ और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ पे क्रिएट पे आ जाएंगे और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे। दो व्यू दिखाई पड़ेंगे, एक डिजाइन व्यू, एक डेटा शीट व्यू। तो डिजाइन व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें बनाना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे कर देता हूँ मैं रोल नंबर, ये कर दिया हमने। अब ये टाइटल मैं बना रहा हूं और यहां पे रोल नंबर आएगा, ठीक है। अब ये रोल नंबर आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट देना है। तो ये दे दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये दो ही चीजें रखते हैं इसमें और यहां पर क्लिक करते हैं और यहां से यस कर देते हैं। तो यहां रोल नंबर दे देना है। अब देना क्या है वो हम नाम एंटर करते जाएंगे, रोल नंबर आता जाएगा क्योंकि ऑटो नंबर लिया है। तो यहां कर देता हूं राम, यहां पे आता हूं श्याम और यहां पे आता हूं राजू, यहां पे आता हूं अवनीश। कुछ इस तरीके से हम ये एंटर कर देंगे और फिर यहां पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और फिर यहां से क्लोज कर दीजिए इसको। और क्लोज करने के बाद फिर यहां पर जाकर के फिर दूसरी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल टू हो जाएगा और टेबल टू में क्या क्या आएगा, यहां पे कर देता हूं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिया हमने और इसे मैं रखूंगा नंबर डेटा टाइप, ठीक है। और यहां पे करता हूं सब्जेक्ट का नाम, लाइक हिंदी कर देता हूं और यहां कर देता हूं इंग्लिश। आप और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, दिखाने के लिए मैंने दो सब्जेक्ट और ये तीसरा भी ले लेता हूं। यहां पे लिख देता हूं कंप्यूटर, तो ये दिखाने के लिए मैंने तीन सब्जेक्ट ले लिया है। यहां पर क्लिक करेंगे और फिर यहां पर जब जाएंगे तो यहां आपको नंबर दिखाई पड़ेगा, नंबर बना दीजिए। सबको नंबर बनाना होगा सिवाय रजिस्ट्रेशन नंबर के, क्योंकि ये तो पहले से नंबर है। तो यहां पे क्लिक कर देंगे, अब ये काम हो गया आपका, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें रोल नंबर का जिक्र हमने नहीं किया, तो ये रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी। तो यहां पर राइट क्लिक करके और यहां इंसर्ट रोज करेंगे और यहां पर रोल नंबर भी लिख देंगे। ये लिख दिया मैंने रोल नंबर, ठीक है, ये रोल नंबर लिख दिया। और यहां पर नंबर डेटा टाइप दे देंगे, ये नंबर डेटा टाइप हो गया। और यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से यस कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर की बारी है, तो सपोज कीजिए कि 1001 ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और हिंदी में उस बच्चे का मार्क्स है 45, ठीक है, और यहाँ पे 66 और कंप्यूटर में 55। तो ये यहाँ पे कर दिया हमने। अब यहाँ पे रोल नंबर देना है, तो रोल नंबर 1 दे देंगे, यहाँ पे 1 ही है तो 1 दे देते हैं। और यहाँ पे 1002 हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ 55, 67 और जो भी मार्क्स देना है वो मार्क्स यहाँ पे कहने का मतलब कि दे दीजिए। और यहाँ पे रोल नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से रोल नंबर 3, 4 आप करते चले जाएंगे। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्टूडेंट का है, तो यहाँ पे चारों का डेटा फिल कर लेते हैं। यहाँ 1003 कर देते हैं और यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं जो भी मार्क्स देना है। तो ये दे दिया, ये दे दिया और यहाँ पर ये दे दिया। और फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 1004 करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम कुछ भी इस तरीके से 88 77 44, और यहाँ पे रोल नंबर 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ कर देना, यहाँ पे 3 देना है तो ये 3 दे देता हूँ। अगर कुछ और भी है तो आप और भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की 1004 होगा, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुल 4 स्टूडेंट के रिकॉर्ड एंटर हुए, यहाँ पर भी हमने कर लिया है। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, दोनों को सेव कर दिया हमने। अब चाहे तो इसके बेसिस पे आप फॉर्म बना सकते हैं। और पहले तो क्वेरी बना लेते हैं, तो यहाँ से चलते हैं और क्वेरी बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, ठीक है। और उसके भी पहले हम एक रिलेशनशिप क्रिएट कराना चाहते हैं दोनों के बीच में। ये रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी आइए देख लेते हैं। पहले इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हमें जाना है डेटाबेस टूल्स पर और यहाँ से सीधा आ जाना है कहाँ पे, रिलेशनशिप पे। तो ये रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टेबल 1 दिखेगा, फिर ये टेबल 2 दिखेगा। इन दोनों के बीच में अगर एक से ज्यादा टेबल भी है तो आप उसमें भी रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं। तो ये रोल नंबर को रोल नंबर से लिंक कर देता हूं मैं। और यहाँ पर इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स 1-to-many रिलेशनशिप क्रिएट करा देंगे। एक से अधिक टेबल है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब इसको भी सेव कर लेता हूँ यहाँ से, और सेव करके और इसको क्लोज कर देता हूँ।
तो ये भी क्लोज कर दिया हमने। अब क्लोज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी डिजाइन करना है। तो यहाँ पे क्वेरी डिजाइन में जाएंगे और इन दोनों को ले लेते हैं, यही दोनों टेबल थे तो इन दोनों को ले लेते हैं। और यहाँ पर जो जो चीजें चाहिए, लाइक रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए ही चाहिए, हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स और कंप्यूटर का मार्क्स, इन तीनों का मार्क्स चाहिए। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इनका टोटल, यानी कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो जो भी कैलकुलेशन से संबंधित कार्य करना है यहीं पे कर देता हूँ मैं, इसे जूम व्यू पे ले लेता हूँ और यहाँ पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको फील्ड का नाम देना है, तो यहाँ पे टोटल दे देता हूँ, ये लिख देता हूँ टोटल। अब ये हो गया, अब यहाँ पे कोलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो हिंदी, ठीक है, प्लस इंग्लिश, ठीक है, और एट लास्ट कंप्यूटर, तीन ही सब्जेक्ट हैं आपके पास, जितने हो उतने ले सकते हैं। तो ये कंप्यूटर कर देता हूं, कंप्यूटर ये हो गया, सी कैपिटल करके लिखते हैं बेहतर रहेगा, कंप्यूटर ये कर दिया हमने और इसको क्लोज कर दिया। अब यहां से ओके कर दिया, तो ये रिलेशनशिप के साथ साथ कैलकुलेट भी करेगा, ठीक है। अगर आप कुछ और निकालना चाहते हैं, लाइक एवरेज निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे एवरेज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप एवरेज दे दीजिए, ठीक है, अगर आप एवरेज देना चाहते हैं तो ये बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे आप जा करके, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ए बी ई आर ए जी ई, तो इन तीनों सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है। तो ये एवरेज नाम की फील्ड डाल दी हमने, और यहाँ पर जा करके इसे जूम व्यू पे लेता हूँ और यहाँ पर अब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो टोटल है उसी से एवरेज आ जाएगा आपका। तो यहाँ लिख दीजिए टोटल, और कितने सब्जेक्ट है, थ्री है, तो थ्री से इसे डिवाइड कर दीजिए, बस एवरेज आपका आ जाएगा इजिली। अब यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए तो ये देख सकते हैं कि सब कुछ आ चुका है इजिली, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। अब इसको आप फॉर्म में लगाइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आता हूं, ये फॉर्म विजार्ड पे चलेंगे, ये लाइक यहां पे क्लिक करेंगे, फॉर्म विजार्ड पे आ गए, इसको सेव कर लेता हूं क्वेरी वन के नाम से। अब यहां पर ये करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये लेकर के, और कॉलमर फॉर्म में किस फॉर्म में चाहिए डेटा वो देख लीजिए, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके, और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये इस तरीके से कुछ आपके सामने आ जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल आ चुकी है। अब यहां से जाकर के, और फिर ये क्वेरी वन, अगर आप नहीं चाहते कि ये क्वेरी वन यहाँ लिखा हुआ है तो इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स, बेसिक सेटिंग्स आप कर दीजिए, लाइक ये जो है इन सब की साइज छोटी करनी होगी, इतने बड़े साइज की हमें जरूरत नहीं। यहाँ पे इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक बार फिर देख लीजिए इसको, ओके। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं डिजाइन व्यू पर, ठीक है, और डिजाइन व्यू पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड का। यहां से जाकर के बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर दीजिए, ये कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसको सिलेक्शन में लेकर के बोल्ड कर दीजिए, फिर यहाँ से इसको ब्लैक कलर कर दीजिए इस तरीके से, ओके। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेरी कैसे लगाएंगे ये आपको समझ में आई होगी।